छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। छुरी के आगे किसी की नहीं जल्दी। लड्डू मतलब इंसान को अपने दिफा के लिए कुछ करना चाहिए। अगर आज मुझे कुछ आता होता ना तो ये तीन तो गुंडे ना मुझसे मार खाते। सारी बातें यहीं पे करोगी, कोई घर जाके भी कर लेना। अच्छा चलो उठाओ उठाओ, मेरी जेब में रह गई। चलो कुछ कर भी नहीं सके, पता नहीं कैसा शौर है मेरा। चल यहाँ से। अबे वो खबर कहाँ गई यार। चलो चलो ना लड्डू। अरे ये किस मांगने वाले को ले आई घर में? अरे पापा ये मांगने वाला नहीं है, ये अपना लड्डू है। लड्डू? ये इतना टूटा फूटा लड्डू, ये चीथड़े ओढ़े हुए है इस लड्डू के, ये लड्डू है? मारा ही नहीं है बल्कि मारे। क्या 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 मारे, क्या मारे? अरे पापा लात झाड़ू मुक्के घूंसे सब कुछ, वो भी टिका टिका के। तो इसने ही कुछ किया होगा ना, इसने ही लड्डू नहीं कुछ किया होगा। लूट जाए रे पापा, मेरे इतने सारे शॉपिंग बैग्स ले गए, मेरा पर्स भी ले गए, और तो और मेरा मोबाइल भी ले गए। चलो मोबाइल ले गए, ये अच्छा मोबाइल। पापा मेरा मतलब है कि मोबाइल ले गए ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ससुर जी भाग के आगे मेरे लिए गर्म पानी तो लेकर आओ। कोई नहीं लड्डू, आप पापा आप एक काम कीजिए, आप जाइए और जाके ठंडा पानी लेकर आइए। ठंडा पानी? अरे मैं पीने के लिए थोड़ी मांग रहा हूँ। तो फिर किस लिए मांगा भाई? ये मेरा मुंह सूख गया ना, इसकी सफाई करनी है, जाओ ले आओ जल्दी से। अबे तू अजीब से कैसा बुरा लग रहा है। अरे जाओ भी। अल्लाह अल्लाह ओ मेरा मुंह तोड़ दिया। लड्डू मैंने सोच लिया है। तुम सोचती भी हो है? क्या सोच लिया वैसे? मैं बॉक्सिंग सीखूंगी। मगर क्यों? क्या मतलब क्यों? मैं अपनी दिफा के लिए। आसान नहीं होती बॉक्सिंग, वो मारती है। हाँ तो आसान तो तुम्हारे साथ रहना भी नहीं है, मैंने कह के तो कह दिया, मुझे ला के दो। बॉक्सिंग में मार मार के मेरी तरह जोग्राफिया बदल देंगे। हाँ कसम ले लो। अरे ससुर जी गर्म पानी तो ले आओ भाई, कुछ करना ही पड़ेगा उसके लिए। अभी बॉक्सर में कहां से ढूंढूं यार? भाईजान अरु भरु सलाम मारता हूँ, ये डाटा बॉक्सिंग क्लब इधर किधर है? क्या देख रहा है, कभी तुमने पार्टनर आदमी नहीं देखा है? अरे कहीं तुम वो बॉक्सर तो नहीं हो? अरु भरु हम तेरे को इंजीनियर लगता है। अरे मेरा मतलब है कि तुम खुद ही खेलते हो या सिखाते भी हो? हम सीखता भी हूँ सिखाता भी हूँ खेलता भी हूँ, तीन मानू यूं समझो कि चाइना से बॉक्सर इंपोर्ट किया हुआ हूँ। अरे मेरे चाइना के इंपोर्टेड बॉक्सर में तुझे ही तो ढूंढ रहा था। हमको क्यों ढूंढ रहा था? हम क्या करप्शन करके भागा हूँ या मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में ढूंढ रहा था? अरे नहीं ना, मुझे ये बता तुम खवातीन को बॉक्सिंग सिखाते हो? नहीं औरतों को नहीं सिखाता, माफी चाहता हूँ। मगर क्यों? अरे समझा करो, उनका भरोसा कोई नहीं होता है, औरत हमसे ही सीख के हम पे ट्राई ना कर दे। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी बेगम को सिखाना है।
अच्छा टप्पड़ों से काम नहीं चलता है जो बॉक्सिंग भी सिखाएगा? अरे ऐसा नहीं है, वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए सीखना चाहती है। अरे ये तो अच्छा बात है, ताकि पंच मार के गाड़ी सेल्फ स्टार्ट कर सके। अरे नहीं नहीं, वो अपने तहफ्फुज के लिए सीखना चाहती है बॉक्सिंग। ओ तो ये तो अच्छी बात है, सीखना चाहिए रूबरू। अच्छी बात है, तो फिर मेरी बात सुनना। चलो चलो, अरे चलो आओ, आजा आजा, आइए 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 बॉक्सर साहब, आइए आइए। अरे हनी हनी जल्दी आओ, क्या कर रही हो, देखो तो सही कौन आया है। क्या हो गया लड्डू, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे इधर तो आओ। हाँ ये कौन है? वैसे तो कार्टून जनाब अली मोहतरमा जाने अजीज हम लोग का नाम बहुत लंबा है, पर शॉर्ट में डाडा कह सकता है, हम बॉक्सर है। बॉक्सर? अब ये मुझे बॉक्सिंग सिखा देगा? हम तेरे को तमीज भी सिखा देगा। तमीज? वो क्यों? अरे इतनी देर से आया, ना किसी ने चाय पूछा, ना पानी, ना ठंडा, ना गरम, ना कोई शरबत, ना कोई जूस, ना कोई गन्ने का रस पिला दे। नहीं, अब लड्डू जल्दी जाओ, जाके सर के लिए पानी लेकर आओ, जाओ। सर के लिए क्यों, हमने पीना है, सर भिगोना नहीं है। तो मैं पीने के लिए तो ला रहा हूँ। तो फिर सर क्यों बोला है? अरे वो तो मैंने आपको इज्जत दी है ना, इसलिए। आप मेरे टीचर जो है। बॉक्सर भाई क्या हो गया, रोना क्यों शुरू हो गए? इतना इज्जत तो हमको अपने घर में कभी नहीं मिला है, हमारा घरवाली से भी पानी मांगो तो बोलता है उठ उठ के पियो रे। यहाँ पे ना पहले पहले सबको ऐसे ही फंसा देते। लड्डू चलो निकलो यहाँ से, वो इनके लिए पानी लेकर आओ, जाओ। मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ये लड्डू इसका नाम है या चीड़ है? इसका नाम है। अच्छा ये लड्डू है, तुम बर्फी है? अब कहीं हमको काला गुलाब जामुन नहीं समझ लेना। अब मैं बॉक्सिंग सीख जाऊंगी ना। मार 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 मार, शर्म करो डूब के मर जाओ। तो और क्या करें भाई, असली मैच पर पैसा लगाओ। तो ये क्या नकली मैच है? अबे मोबाइल पे देख रहे हो, टीवी पे देखते हो, उस पे पैसा लगाते हो, मैं तुम लोग को लाइव बॉक्सिंग मैच के ऊपर पैसा लगवाता। बोलो तो ये मैच किस किस का है? अरे मैच होगा खवातीन का। खवातीन का मैच? हाँ इसमें भी कोई मजा है? अबे क्या दक्यानुसी सोच है तेरी यार, है ये नया दौर है और औरतें इस दौर में मर्दों से बहुत आगे। वो वाली देख, वो देख कैसे आगे जा रही अपनी मियां से। अच्छा और तेरी अम्मा क्या कहती? नहीं क्या कहती है? आप ठीक कह रहे हैं लड्डू भाई, मेरी अम्मी जान भी यही कहती थी। सुन लिया तुम लोगों ने, जल्दी जाओ पैसे अरेंज करो, लगाने नहीं लगाने। मुझे, मैं थक गई भाई। तुम पहन के ही थक गई है, तुम मरते वक्त कितना थकेगी, उठो। मगर ये बहुत भारी है। अरे तो ये भारी होगा तो भारी पड़ेगा ना, समझा करो, इसको कहते हैं गलफ। अच्छा इसको बलफ में नहीं मारता है, टिका के मारना है ताकि बंदे का मत्था ही घूम जावे। अच्छा चलो शुरू हो जाओ। देखो मारना एक है बॉक्सिंग का काम, लेकिन उछलना पीरी में। उछलो उछलो, मारो अब मारो। एक एक करके मारो, दोनों हाथे तका देगा तो फिर ऐसे ऐसे ऐसे। अरे 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 ये क्या हो रहा है? अबे ये अफ्रीकन कौन है भाई? अबे तू तो ऐसा ना बोल, तेरे ही बर्रे आजम से आया है। आप कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। पापा मेरी बात तो सुने। नहीं नहीं पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। अरे एक मिनट चाचा, बच्ची का बात सुन लो, फिर पुलिस क्या डिप्टी कमिश्नर को बुला लेना। बकवास बंद करो गुलाम, आप पुलिस को बुलाए। अरे मम्मा पापा मेरी बात तो सुने। बोलो 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 बोलो। पापा ये ना मुझे बॉक्सिंग सिखाने के लिए आए, ये देखिए। बॉक्सिंग? अबे क्या आप लड्डू को मुक्के मार मार के काम करवाओगी है? क्या जरूरत है इन सब चीजों की? अरे भाई ये मैं डिफेंस के लिए सीख रही हूँ। आज बच्ची डिफेंस के लिए सीख रही है, कल अख्तर कॉलोनी के लिए सीखेगी, सीखने दो। अबे हर एक ही बच्ची है मेरी यार। तो और क्या, इसकी भी जान खतरे में डाल दें? अरे खतरे में कहेगा, बच्ची बॉक्सिंग सीख रही है, कोई तार पे चलना नहीं सीख रही है, जो जान खतरे में पड़ जाएगी। मामा पापा मुझे
बताओ, मुझे बॉक्सिंग सीखनी है, सीखनी सीखनी है, सीखनी है, बस। लेकिन बेटा बात ये कि ये जो है ना किस तरह। लड्डू तुम कहाँ गए थे? हाँ वो मम्मी जी मैं कुछ जरूरी काम से बाहर गया था। अच्छा अब आप लोगों से गुजारिश है अपना अपना चेहरा इधर से गुम करो, हमने बच्ची का ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। बेगम आ अरे तुम किधर जा रहा है लड्डू पेड़, इधर आओ। पंचिंग बैग नहीं है, ट्रेनिंग बच्ची तुम्हारे मुंह पे करेगी। किधर गया लड्डू? फिर भाग गया। अरे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए बॉक्सर बन जाओगी तो क्या हो जाएगा? मैं एक लड़की हूँ। वो तो मैं कौन सा तुम्हारा मुकाबला किसी रीच से करवा रहा हूँ, सामने मेरी बीवी होगी मुकाबले के लिए। फिर भी ये मार्को टाइम मुझसे नहीं होगी। ए, असली में थोड़ी लड़ना है, तुम परेशान हो रही हो फालतू में। क्या मतलब? अरे सामने जो लड़की होगी मेरी बेगम होगी, उसको आजकल ना बॉक्सिंग का जरा जोश चढ़ा हुआ है। बेगम से पिटवाने के लिए मैं ही मिली। अरे आगे तो सुनो, जैसी वो तुम्हें मुक्का मारने लगे ना तुम पहले जमीन पर कल्टी हो जाना, समझ गई? टेंशन ही नहीं है। ऐसे तो मैं हार जाऊंगी। हाँ तो तुमने जीत के गोल्ड मेडल ले जाना है। तो मुझे क्या मिलेगा? मैं शर्त लगाऊंगा कि तुम जो हो वो प्रोफेशनल बॉक्सर हो और सामने वाला जो है वो नया खिलाड़ी है। फिर? और सब पैसे लगाएंगे तुम पर और तुम हार जाओगी। और तुम? मैं अपनी बेगम पे पैसा लगाऊंगा और सारा पैसा मेरे पास आ जाएगा। ओ अच्छा अब समझ आया। शुक्र है तेरी मोटी अकल में कुछ तो आया। मैच है कब? उसके लिए ना बस तुम मेरी कॉल का इंतजार करना, जैसे ही तुम्हें फोन करूं तुम यहाँ पहुंच जाना, समझ गई? चलो जाओ, उससे पहले कोई देख ले नकली मेरी क्वीन। जाओ जाओ मारो आले बुरो बुरो। खराब तुम कैसा कार्टून है, ऐसे लड़ते? तुमसे एक पंच नहीं सही से मारा जा रहा है। हाँ तो क्या हो गया, अभी मैंने इतनी कोई मेहनत थोड़ी की, करने तो दे मेरे सिग्नल तो दे पहले। अरे इतनी उतनी क्या, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि मेहनत लिखते कैसे। हाँ तो ये तो आपको बताना था ना डैडी भाईजान। ओ भाई ओ भाई ओ, ना मैं तुम्हारा डैडी हूँ ना भाईजान। हाँ अरे तो फिर क्या बोले आप लोग को? गुलाम बोलो गुलाम। पहला आदमी है डैडी पे भी बुरा मान रहे, भाईजान पे भी बुरा मान रहे, गुलाम पे नहीं मान रहे। अरे मेरा नाम है गुलाम यार। अरे तो अच्छा ऐसे बोलो ना गुलाम इब्ने गुलाम। बस जरा मेरी बेटी को इतिहास से सिखाना, नाजुक है ना यार थोड़ी सी। अरे ये बॉक्सिंग नाजुक लोगों का काम नहीं है। अब क्या मतलब तुम्हारा, क्यों लड़कियां क्या बॉक्सिंग नहीं सीखती हैं? हाँ तो सीखती है लेकिन वो नाजुक नहीं होती है। फिर कैसी होती है भाई? वो तो ऐसी होती है कोई लड़का उन्हें छेड़े टकरी मार के नक्सली पोड़ देती है। हाँ हाँ तो क्या हो गया, मैं भी ऐसे बन जाऊंगी ना वकी। हाँ? अरे यार हम सोच रहा हूँ लड्डू भाई नक्सली के बगैर कैसा लगेगा, वैसे तुम बन सकता है, थोड़ा मेहनत करो टाइम लगेगा। अरे देखो भाई जल्दी करो यार, मेरे पास टाइम नहीं है यार। क्यों तुम क्या मरने जा रहे? हाँ ओ भाई ओ भाई सौदा लेने जा रहा हूँ यार, उसके बाद भिंडियाँ खत्म हो जाएंगी यार। हाँ तो जल्दी जाओ आराम से, डेढ़ दो महीने में आना। दो चार महीने में? वो क्या हो गया भाई, अजीब बातें कर रहे हो तुम यार। जा रहे हैं नहीं अबे ओ भाई क्या बात है, बड़ा जल्दी में भाई तू। अरे वो ससुर जी मैच रखवाया ना। मैच किस चीज का? अरे बॉक्सिंग का। अबे किसका? अरे हनी का। अबे क्या हो गया हो भाई, वो तो अभी बच्ची है यार, ये क्या कर रहा है, क्या दिमाग खराब हो गया यार? ससुर जी इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? अबे बच्ची है यार वो, अभी उसका मैच रखवा दिया यार। ससुर जी मेरी बात तो सुन ले। अबे नहीं भाई नहीं भाई मैं नहीं सुन रहा भाई। अरे ससुर जी मेरी बात तो सुन ले एक बार जरा मेरी बात। अबे नहीं यार, अब क्या कह रहा है यार, जब तो मैं कहूँ यार कि इतना फरमा बरदार क्यों हो रहा है लड्डू है? अब आप तो जानते ही ससुर जी, लड्डू तो फरमा बरदार ही है। हाँ वैसे बात सुन, आइडिया बुरा नहीं है, है ना? हाँ। चलो देखो बॉक्सिंग का पहला उसूल है ये गलफ के साथ ना बलफ चलता है, उल्टा पंच दिखा के ना सीधा मारना। माफ करना लड्डू भाई, हमने तुमको पिचका के पेड़ा कर दिया। कोई बात ही नहीं डाड़ा भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे बाद में कर लेना, अभी ट्रेनिंग हो रहा है। लड्डू
चलो जाओ अंदर, तुम देख नहीं रहे मैं सीख रही हूँ ये। अरे टाटा भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है ना। अरे पीस वीस हम बाद में ले लेगा, अभी ट्रेनिंग करने दो, अभी हमको पीस का फिक्र नहीं है। आप ना हनी को 10 मिनट की ब्रेक दे दे। अच्छा जाओ फिर जाके तुम ब्रेक मारो, मतलब ये कि पानी वानी पियो, हम इसे बात करके फिर बुलाता हूँ तुमको। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, मगर हाँ मैं थोड़ी देर पे आ रही हूँ। बोलो। हाँ बोलो। हाँ वो मैंने ना बॉक्सिंग का मैच फिक्स कर दिया है। किसका? अरे बॉक्सिंग का। आ आ आ हाँ हाँ, मेरा मतलब है कि हनी का। हाँ तुम अपनी बीवी को कहीं मरवाना तो नहीं चाहते? अरे मैं अपनी बीवी की जान का दुश्मन क्यों बनूंगा? अभी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, तुमने मैच भी रख लिए। अरे डाढ़ा भाई आप समझे नहीं, इधर है मैं समझाता हूँ बात क्या है। अरे दिल करता है तुम्हारा मुंह चूम लूं। नहीं कराना, मुझे दोनों की बहुत मैच की तैयारी करानी है, समझ गया? ठीक है तुम जाओ उसको समझाओ, मैं उधर हवा का के आया हूँ, बहुत थक गया हूँ। क्या वो लड्डू बात हो गई तुम्हारी? हाँ हो गई बात सारी की सारी। शुक्र। क्या बात थी? वो हनी तुमने ना इतनी प्रैक्टिस कर ली है तो मैंने तुम्हारा मैच ही रखवा दिया। क्या हो गया लड्डू, तुम पागल तो नहीं हो गए? अभी तो मैं बॉक्सिंग सीख रही हूँ। अरे हनी मेरी नजर से देखोगी तो तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली है और वक्त आ गया है कि तुम दुनिया को बता दो कि तुम क्या चीज। सच्ची? हाँ हाँ हाँ। अच्छा फिर मुझे बताओ मैच कब है मेरा? हाँ तुम्हारा मैच हम करवा देंगे, किसी भी दिन करवा देंगे, बस तुम डरना मत। तुम रिंग उतरने के बाद सीधा अपने टारगेट के मुंह पे मारना। लड्डू तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम देखना मैं उसको ऐसा पंच मारूंगी। तू तो हट जा। किस बात का इंतजार है, मैच शुरू करो। हाँ अभी शुरू होगा, अभी वो आएगी, वो प्रोफेशनल बॉक्सर है, वो आएगी अभी। भाई हमारे पैसे वापस करो, यहाँ कोई नहीं आ रहा मैच खेलने के लिए। आएगी ना, परेशान क्यों हो रहे हो तुम लोग, अभी मैच भी शुरू हो जाएगा। हाँ भाई हमारे पैसे वापस करो, पैसे वापस करो। आगे आगे ये क्या हो रहा है? बेगम क्या बकवास है ये, बंद करो ये सब। बेगम यार हमें कुछ नहीं सुनना, हमारे पैसे वापस करो वरना मैच शुरू करो। अबे तुम लोग रुक तो जाओ ना, अभी थोड़ी देर में मैच शुरू कर देते हैं। अरे बस करो, चुप चुप चुप। होगा मैच होगा, मगर लड़कियों का नहीं लड़कों का। हाँ लड्डू बामुकाबला डड्डू। एक मिनट, पहले नाम करेक्ट करो, लड्डू बामुकाबला डाडा। चलो लड्डू आओ, अभी तुम्हारी मिठास खत्म करता हूँ। मैंने पूरा प्लान तैयार कर लिया। ये देख जाके कि वो चादर में किसको लाया है। ये सुसर जी आप भी टंगे टंगे शक्की होते जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी कुछ खाने के लिए लाओ वरना मैं शोर मचा दूंगी, समझ आई? इतनी बड़ी नेकी का काम करने जा रहे हैं, आपने इसके साथ क्यों नहीं दिया? अरे भाई तुम्हारी मम्मी को पता चल गया तो? हम एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देंगे। इसके माँ बाप को अगर इसका पता जानना है तो हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अब हम इसकी मुकम्मल वीडियो अपलोड करेंगे। इंस्पेक्टर बैग। क्या इंस्पेक्टर बैग, यहाँ पे ये आदमी भी नहीं रहता इंस्पेक्टर बैग, कोई नहीं है यहाँ पे।
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशाद, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।